हाय फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं प्रियंका। हम लोग तो बहुत सैंडविच खाए होंगे अलग अलग तरीका का। आज हम कुछ बहुत ही अलग तरीका से सैंडविच बना के तैयार करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने प्रियंका DCB चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पर ब्रेड, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर और यहाँ पर खीरा और हरी चटनी, रेड चटनी, ये सब हमने कट किया है। चलते हैं बनाने की तरफ सैंडविच को। और इस तरह से सैंडविच आप बनाइएगा, यकीन मानिए आप हर तरह का सैंडविच खाना भूल जाएंगे जब इस तरीके से सैंडविच बनाइएगा। तो आप यकीन मानिए कि आप यही सैंडविच बना के खाइएगा। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा अगर अभी तक ले आपने इस तरह के सैंडविच नहीं बना के खाए हैं तो, क्योंकि ये सैंडविच जो है बिल्कुल अलग है, बहुत क्रंची क्रिस्पी बन के तैयार होता है और आप इसे सुबह के टाइम, शाम के टाइम नाश्ते के साथ खा सकते हैं। तो एक तरफ हम लगाए हैं हरी चटनी और एक तरफ टोमेटो केचप, और दोनों तरफ अच्छे से हरी चटनी और टोमेटो केचप लगाने के बाद इस पे रखेंगे ये स्लाइस जो प्याज, शिमला मिर्च और गाजर और खीरा और टमाटर जो हम कट करके रखे हैं। आपके पास जो वेजिटेबल है वो कट कर लीजिए सैंडविच बनाने के लिए, क्योंकि इसमें जो भी अब बंद गोभी, फूल गोभी, जो भी ये सब कुछ आप कट कर लीजिए, क्योंकि जो सैंडविच हम बना रहे हैं ना वो सैंडविच में आप हर तरह का वेजिटेबल डाल सकते हैं क्योंकि बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे सारे हम टमाटर का स्लाइस रखने के बाद प्याज का रख देंगे, शिमला मिर्च का रखेंगे, खीरा का रखेंगे और टमाटर का, और इस पे आप मोजरेला चीज़ भी भर के डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं चीज़ भी डालना तो इस सैंडविच के ऊपर आप भर के चीज़ डालिए। अगर आप चीज़ डालना नहीं चाहते हैं तो आप उसे स्किप कर दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है चीज़ डालना, क्योंकि विदाउट चीज़ का भी बहुत ही टेस्टी ये बनता है। तो पहले इसे अच्छे से हम कर लेते हैं डेकोरेट, फिर चलेंगे बनाने की तरफ। इसे बनाने के लिए हमें ब्रेड क्रम का भी ज़रूरत पड़ेगा, कॉर्नफ्लोर, मैदा, ये सब भी इसमें लगेगा। तो ये देखिए इस तरीके से करके फिर इसको हाथों से प्रेस करेंगे। इसे हल्का सा हमें दबाना है, ज़्यादा नहीं, बस हल्का से इसे दबाएंगे क्योंकि इसे हम फ्राई करेंगे। तो इसी तरह से हम सारा बना के तैयार कर लेंगे जैसे ये बना के तैयार किए हैं, और ज़्यादा नहीं दबाएंगे, बस हल्का हल्का दबा के इसे तैयार करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से सारे हम सैंडविच को बना के तैयार करते हैं, और इसे हमें तेल में फ्राई करना है। और इस तरह से सैंडविच जो है आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरा यकीन मानिए। जो लोग सैंडविच के शौकीन हैं, जिन्हें सैंडविच बहुत पसंद है, तो आप इस तरह से सैंडविच एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और आप भी सोचिएगा कि काश ये हमें पहले पता होता इस तरह का सैंडविच बनाने के लिए। आप दो सैंडविच खाइएगा, आपका पेट जो है फुल हो जाएगा। तो एक तरफ देखिए टोमेटो केचप एक चम्मच भर के, और एक चम्मच भर के यहाँ पे डालेंगे हरी चटनी, और दोनों को अच्छे से हम ब्रेड में लगा देंगे। और ये जो हमारा ब्रेड है मीडियम वाला ब्रेड है, एक बड़ा भी ब्रेड मिलता है और एक मीडियम भी ब्रेड मिलता है, तो हम आज मीडियम साइज वाला ब्रेड लिए हैं जिसमें मीडियम साइज का रहता है और बहुत सारा ब्रेड आता है, तो वही वाला ब्रेड है। और यहाँ देखिए हमें चटनी लगाने में कोई कंजूसी नहीं करना है, हरी चटनी टोमेटो केचप भर भर के लगाना है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो दोनों तरफ टोमेटो केचप लगा दीजिए, हरी चटनी स्किप कर दीजिए। और देखिए ऐसे लगाने के बाद हम आपको अच्छे से दिखा रहे हैं कैसे हमें इसे सजाना है, डेकोरेट करना है। तो दोनों तरफ ब्रेड के हम भर भर के सॉस और ग्रीन वाला चटनी लगाएंगे। और आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप ग्रीन वाला चटनी जो है स्किप कर दीजिएगा। और ये देखिए दोनों ब्रेड पे हम भर भर के लगा दिए हैं टोमेटो केचप और ग्रीन चटनी। और इसे अब हम देखिए यहाँ पे रखेंगे टमाटर और प्याज का स्लाइस, तो ऐसे छोटे छोटे करके प्याज का स्लाइस रख देते हैं, 3 से 4 आप स्लाइस रख सकते हैं। अगर आपका ब्रेड बड़ा है तो 3 से 4 स्लाइस रखिएगा, छोटा है तो 3 रखिएगा। फिर यहाँ पे रखेंगे टमाटर कटा हुआ 2, छोटा हम टमाटर कट किए हैं तो 3 रखेंगे, और गाजर और ये खीरा से इसे हम अच्छे से डेकोरेट कर देंगे। 3 से 4 छोटा छोटा हम खीरा रख देंगे, और ये जो दूसरा ब्रेड है इसके ऊपर रख देंगे, और इसे बीचों बीच हथेलियों को रखते हुए प्रेस करेंगे, ज़्यादा नहीं दबाएंगे नहीं तो ये जो ब्रेड है वो फट जाएगा। बस इसी तरह से सारे ब्रेड को हम तैयार कर लेते हैं। सारे ब्रेड को तैयार करके रख लेंगे साइड में और चलेंगे बनाने की तरफ। और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 से 7 मिनट में हमारा जो सैंडविच है बन के तैयार हो जाता है। आप इसमें पनीर, चीज़,
आप अपने पसंद का जो आपको अच्छा लगे सब कुछ इसमें डाल सकते हैं। पर अगर आपने चीज़ पनीर सैंडविच नहीं देखा है तो हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या आई बटन पे क्लिक करके आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमने अपने चैनल पर पहले से पनीर और चीज़ सैंडविच का वीडियो अपलोड कर रखे हैं। यहाँ पे हम लेंगे 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से ये होगा कि जब हम कॉर्नफ्लोर में इसे हल्का सा डिप करके फ्राई करेंगे तो अच्छा सा इस पर ब्रेड क्रम का कोटिंग होगा। तो 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच मैदा लेने के बाद हल्का हल्का पानी डाल के इसे हम घोल बना के तैयार करेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल सॉफ्ट घोल चाहिए, इसमें लम्स नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और हम थोड़ा सा मैदा का क्वांटिटी बढ़ा लिए हैं, 3 से 4 चम्मच कर लिए हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदा में भी बना सकते हैं, पर मैदा और कॉर्नफ्लोर का जब मिक्स हो जाता है तो इसका बेंडिंग बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से हल्का हल्का पानी डाल के इसका हम घोल बना के तैयार कर लेंगे। और ये देखिए बिल्कुल हमें ज़्यादा गाढ़ा घोल नहीं बनाना है, ना ज़्यादा पतला घोल बना के तैयार करना है, मीडियम सा घोल बनाना है। तो आप देखिएगा हम कैसे बना रहे हैं, आप इसी तरीके से बनाइएगा जैसे इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। अगर उस तरीके से आप बनाइएगा तो बिल्कुल परफेक्ट आपका सैंडविच बनेगा, जैसा हम लोग सैंडविच खाते हैं, और इसका स्वाद तो बहुत ही अलग है। और ये देखिए ऐसे हम ब्रेड को बीचों बीच दोनों हाथ में रखते हुए उठाएंगे और दोनों तरफ से अच्छे से इसे डिप करेंगे। डिप करने के बाद जो हल्का सा बचेगा इसे हम निकाल लेंगे और ये लेंगे ब्रेड क्रम। ब्रेड क्रम में अच्छे से इसे हम डिप करेंगे। ये देखिए पूरा भर भर के ब्रेड क्रम इसे हम चारों तरफ से लगाएंगे। तो ब्रेड क्रम बनाने के लिए आप ब्रेड लीजिए और घर पे ही उसको मिक्स ग्राइंड में बिल्कुल ग्राइंड कर लीजिए, तो हमारा जो ब्रेड क्रम है वो घर पे ही बन के तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो मार्केट वाला भी ब्रेड क्रम इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केट में भी ब्रेड क्रम मिलता है। और इस तरह से देखिए भर भर के हम इस पर लगा दिए हैं ब्रेड क्रम। अभी इसको चलते हैं हम फ्राई करने की तरफ। तो ऐसे सारे सैंडविच को पहले हम तैयार कर लेते हैं। और फ्राई करने के लिए यहाँ पे हम गरम किए हैं सरसों का ऑयल, क्योंकि हम ज़्यादातर खाना सरसों के ऑयल में ही बनाते हैं, आपको पता होगा। तो इसीलिए आप यहाँ पे रिफाइन ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर सरसों का ऑयल जो होता है हमारे सेहत के लिए थोड़ा हेल्दी होता है, तो इसीलिए हम सरसों के तेल में ही पकाते हैं। और इसे हम डाल के एक साइड से 1 से 2 सेकेंड के लिए इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे। जैसे ही हल्का सा गोल्डन कलर इस पर आ जाएगा तो हम दूसरी साइड को पलटी कर देंगे। और थोड़ा सावधानी से करिएगा नहीं तो तेल का छींटा है जो आपके ऊपर आ जाएगा। और ये देखिए हल्का सा ये गोल्डन कलर आ गया है, तो दोनों तरफ से अच्छे से हम इसे पका लेंगे। और ये देखिए कितना प्यारा बिल्कुल देखने में ही क्रंची लग रहा है ना, इसी तरह से सारे ब्रेड को हम तैयार कर लेते हैं सैंडविच को फ्राई करके। और ये देखिए जब बन के इतना टेस्टी लग रहा है तो खाने में कितना टेस्टी लगेगा। तो एक बार ज़रूर आप लोग इस तरह से ब्रेड सैंडविच बना के तैयार करिएगा और बाकी के सारे सैंडविच को इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने प्रियंका DCB चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सारे सैंडविच को इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं टोमेटो केचप के साथ। इन्जॉय करिए। बाय बाय।